बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे यहां पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ? जैसे बंगाल में होती है वैसे मां दुर्गा का अनुष्ठान, बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहां मूर्ति बनाते हैं, वहां पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए, मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी सात पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। सात पीढ़ियां भूल जाती। और यही कहने के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, अबे अगर आज हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाइए, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को जिता करके भेजिए। बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है सुरक्षा की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है आपकी समृद्धि की, आपको भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने का आश्वासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है।